आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल। इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल एक काइनेटिक मॉडल है जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट में, अगर आप एडसॉर्प्शन पे काम कर रहे हो, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन, तो उनमें ये यूज़ होता है और इसको अप्लाई किया जाता है एक्सपेरिमेंटल डेटा पे। हम पिछली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आइसोथर्म्स मॉडल और डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल पे होगा। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या बनती है और ये इसके पोस्टुलेट या अजम्पशन क्या हैं। उसके बाद ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ जाएंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे प्लॉट की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल। ये मॉडल वेबर एंड मॉरिस ने दिया था, इसी वजह से इसे वेबर मॉरिस इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल भी कहा जाता है। ये हमें बताता है कि मैकेनिज्म, एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हुआ है या जस्ट सरफेस पे हुआ है। इस बात को समझने के लिए आपको पहले सेम एनालिसिस को समझना होगा। सेम एनालिसिस में हमने सबसे पहले ये देखा था कि जो भी एडसॉर्प्शन होती है वो एडसॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पे होती है, ठीक है। तो एडसॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जब एडसॉर्प्शन होनी है तो इट मींस कि वो जस्ट सरफेस फिनोमिना होगा। लेकिन ये मॉडल ये कहता है कि जस्ट सरफेस के ऊपर ही डाई या मेटल मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब नहीं होंगे बल्कि वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे इनर पार्ट ऑफ एडसॉर्बेंट में और वहाँ पे जाके भी उनकी एडसॉर्प्शन होगी। आपके सामने ये एक फिगर है जिसमें एडसॉर्बेंट की सरफेस ये शो की गई है, ठीक है। ये जो अंदर वाइट स्पेस है ये उनकी एक्टिव साइट्स को शो किया गया है जो कि एडसॉर्बेंट के इनर पार्ट में हैं। ये डाई मॉलिक्यूल्स हैं या मेटल आइंस हैं, ठीक है, जिन्होंने एडसॉर्ब होना है। इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल ये कहता है कि एडसॉर्प्शन सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं होगी बल्कि एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट कर जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे इनर पार्ट ऑफ एडसॉर्बेंट में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल नहीं हम स्टडी करें, हम जस्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकेंड ऑर्डर को डिस्कस करें, तो वो जस्ट ये कहते हैं कि एडसॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर ही एडसॉर्प्शन होनी है, उसके इनर पार्ट में कोई डाई मॉलिक्यूल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जबकि इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल ये कहता है कि सरफेस के अलावा डाई मॉलिक्यूल्स या मेटल आयन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं एडसॉर्बेंट की इनर पार्ट में और वहाँ पे अवेलेबल एक्टिव साइट्स पे जाके एडसॉर्प्शन शो करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो मॉडल है इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, ये हमें ये बताता है कितनी हद तक इनर पार्ट में एडसॉर्प्शन हुई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसकी उसकी डिटेल देखें तो उसमें क्या है कि दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय वेबर एंड मॉरिस टू डिटरमाइन डिफ्यूजन मैकेनिज्म। इसमें डिफ्यूजन होती है, इसमें इनर पार्ट में मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ पर एक्टिव साइट्स जो हैं वहाँ पर एडसॉर्प्शन शो करते हैं, ठीक हो गया। इसकी जो इक्वेशन है इट इज़ क्यू टी इज इक्वल टू के आई डी टी 0.5 प्लस आई। क्यू टी हमारे पास अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट है, आइदर इट इज़ अ डाई मॉलिक्यूल और मेटल आयन जो कि एडसॉर्ब हुई है एडसॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। इस क्यू टी का यूनिट मिलीग्राम पर ग्राम होता है। टी हमारे पास टाइम है और 0.5 का मतलब 1/2 यानी कि हाफ टाइम लिया हुआ है यहाँ पर, हाफ टाइम ऑफ एडसॉर्प्शन। आई हमारे पास थिकनेस ऑफ लेयर है। थिकनेस ऑफ लेयर का मतलब यह है कि जब मॉलिक्यूल की एडसॉर्प्शन होनी है इनर पार्ट में तो वो कितनी थिकनेस की लेयर बनाता है एक्टिव साइट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखें तो थिकनेस कम है क्योंकि मॉलिक्यूल कम एडसॉर्ब हुए हैं एडसॉर्बेंट की इनर पार्ट में। यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर डिफ्यूजन ज़्यादा हुई है, ठीक हो गया। के आई डी इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, आई फॉर इंट्रा पार्टिकल एंड डी फॉर डिफ्यूजन। तो के आई डी हमारे पास इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल का कॉन्स्टेंट है, इसका जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर ग्राम हाफ मिनट स्क्वायर आता है।
ठीक हो गया। अब इसकी हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट जब हम करेंगे तो वही चीज़ हमने इसकी आर स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालनी है। और आर स्क्वायर वैल्यू अगर इसकी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा का मतलब क्लोज टू वन होगी या वन होगी, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे प्रोसेस में इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन भी हो रही है। मीन्स टू से के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं इन टू एड्जॉर्बेंट इनर पार्ट या इंटीरियर पार्ट, ठीक हो गया। और इसका जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो क्यू टी और टी 0.5 के दरमियान किया जाता है। इसका ग्राफ अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये हमने इसकी ये पूरी जो टेबल है ये हमने लास्ट वीडियोज़ में कैलकुलेट किया है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी स्टडी कर लिया है, सूडो सेकेंड ऑर्डर मॉडल भी हमने देख लिया। अब हमने इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल पे आ जाते हैं। तो इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, जिसको मॉरस वेबर इक्वेशन या मॉरस वेबर मॉडल भी कहते हैं, एक्स एक्सिस पे इस पे ली जाती है टी 1/2 यानी कि हाफ टाइम लिया जाता है, और वाई एक्सिस पे क्यू टी लिया जाता है, और इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जितने भी काइनेटिक या आइसोथर्म मॉडल्स हैं इनमें हमने आर स्क्वायर इक्वेशन भी शो करनी होती है ग्राफ के ऊपर, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी। अब ये इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन ऐड करना। ये जो आपको ब्लू ब्लू ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये जो लाइन है अगर इसको मैं इसकी थिकनेस ज़्यादा कर दूँ तो आपको ये लाइन, ये जो लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर की, दैट इज़ ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया। तो आपने इसकी क्या करना है कि इसकी ट्रेंड लाइन भी ऐड करनी है, चाहे वो आईएसएम मॉडल है या काइनेटिक मॉडल है, तो आप इसकी ट्रेंड लाइन भी ऐड कर दो। अब ट्रेंड लाइन कैसे ऐड की जाती है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, काइंडली आप उसको चेक कर लें। इसकी मैंने थिकनेस ज़्यादा करती है इस ब्लू लाइन की, तो आप ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं डेट इज़ ट्रेंड लाइन, और इसी ट्रेंड लाइन की वजह से इसके ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप और इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन वो शो होती है। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर वैल्यू जो इसकी आ रही है वो 0.98 आ रही है, जबकि हमने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था सूडो सेकेंड ऑर्डर उसकी 0.999 आई थी। मीन्स टू से सूडो फर्स्ट सूडो सेकेंड ऑर्डर की आर स्क्वायर वैल्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, तो हमने कहा हमारा प्रोसेस सूडो सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जस्ट एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होगी जो कि केमिकल इन नेचर होगी। केमिकल इन नेचर होने का मतलब ये है कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के दरमियान केमिकल इंट्रैक्शंस डिवेलप होंगे, केमिकल इंट्रैक्शंस कह लें या इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रैक्शंस कह लें, जबकि इंट्रा पार्टिकल केस में 0.98 आई है। मीन्स के ए यहाँ पे 8 है वहाँ पे 9 है, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू भी आर स्क्वायर की क्लोज टू 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडल हमारा जो ये प्रोसेस को फॉलो करेगा वो सूडो सेकेंड ऑर्डर भी होगा और इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल भी होगा। सूडो सेकेंड ऑर्डर होगा जब तो हम ये कहेंगे कि प्रोसेस केमिकल इन नेचर है, और अगर इंट्रा पार्टिकल है तो हम ये कहेंगे कि केमिकल होने के साथ साथ इसमें डिफ्यूजन भी हो रही है, डाई मोलिक्यूल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं इन टू द इनर पार्ट ऑफ एड्सॉर्बेंट जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन हो रही है। तो यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग जो हमने ये लास्ट टाइम ये दो मॉडल डिस्कस किए सूडो फर्स्ट सूडो सेकंड और आज हम इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो करंट प्रोसेस होगा इसमें दोनों मॉडल्स फॉलो करेंगे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को, और दोनों से ये पता चलेगा कि एक तो प्रोसेस केमिकल है और दूसरा इनर लेयर या इनर एक्टिव साइट्स में भी पेनिट्रेशन और डिफ्यूजन हो रही है डाई मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन ज़्यादा आ रही है, ठीक हो गया। मींस टू से सरफेस के अलावा इनर पार्ट में भी एड्सॉर्प्शन शो होगी और एड्सॉर्प्शन परसेंटेज रिमूवल ज़्यादा आएगी। दैट्स ऑल अबाउट इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल। इसमें क्या होता है कि हमने ये बताना होता है कि हमारे पास जो मॉडल है वो किसके दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट करना है, इस मॉडल की इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, और इसकी जो पोस्टुलेट या अजम्पशन है वो क्या है। तो थीसिस में जब आप इन चीज़ों को लिखते हैं तो वो ज़्यादा डिटेल्ड आ जाती हैं, और पेपर जब रिसर्च पेपर आप लिखते हैं तो उसमें डिटेल भी होती है लेकिन उसको समराइज़ करके लिखना होता है, और साथ में आपने ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक हो गया। अब जैसे हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की थी,
स्लोप से ये चीज़ निकाली, इंटरसेप्ट से ये चीज़ निकाली, इस तरह की कैलकुलेशन इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल में नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास के स्लोप हमारे पास के आई डी होगी, ठीक है, और इंटरसेप्ट आई होगा, यानी कि हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, जो स्लोप की वैल्यू आई है ग्राफ की उसी को हम के आई डी कंसिडर करेंगे, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है उसी को हम आई कंसिडर करेंगे। जैसे इस ग्राफ में स्लोप है 0.0106, तो इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल के केस में के आई डी भी यही होगा, यानी कि 0.0106। जबकि इसकी इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है 1.7853, यही इंटरसेप्ट की वैल्यू इसकी आई कंसिडर होगी, जो कि थिकनेस ऑफ लेयर है। तो इसमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी होती, इसमें जो स्लोप की वैल्यू आपकी आएगी ग्राफ की वही के आई डी होगी, और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी वही आई यानी कि थिकनेस ऑफ लेयर कंसिडर की जाएगी। बाकी इसकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर सूडो सेकेंड ऑर्डर के केस में जैसे हमने कैलकुलेशन की थी लास्ट टाइम, वैसी कैलकुलेशन इसकी नहीं है। आई होप कि आपको ये इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल कैसे प्लॉट करना है, इसकी जो कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ हैं या इसकी जो थ्योरी है वो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड फिल्म मॉडल, उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, उसकी थ्योरी देखेंगे, उसके अलावा उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।